हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं खांसी के इलाज के बारे में। दोस्तों, इस बदलते मौसम में यदि किसी को खांसी हो जाती है तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी मेडिसिन है जो खांसी के ठीक करने के लिए ली जाती है। दोस्तों, खांसी जो होती है, खांसी एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन होती है जो कि डस्ट पार्टिकल के कारण हो जाती है, मौसम में बदलाव के कारण हो जाती है, या हमारे शरीर को ठंड लग जाती है। तो दोस्तों, ये सब मेन कारण होते हैं खांसी होने के, क्योंकि दोस्तों इस बदलते मौसम में खांसी होना ये कि बहुत कॉमन है। तो जो यदि किसी को खांसी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। दोस्तों, बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जो खांसी में कौन कौन सी मेडिसिन ली जाती है। दोस्तों, सबसे पहली जो मेडिसिन है हमारे पास है मॉक्स। दोस्तों, मॉक्स कैप्सूल जो आता है ये सन फार्मा का आता है और 250 mg इसके अंदर अमोक्सिसिलिन इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी मेडिसिन है जो हमारे पास है लीकफ। लीकफ जो आती है दोस्तों लीफोर्ड कंपनी की आती है। दोस्तों, आप ये दोनों जो मेडिसिन है खांसी में कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, ये जो है एक एंटीबायोटिक होता है अमोक्सिसिलिन, जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। और लीकअप जो टैबलेट आती है ये जो क्या काम करती है, जो आपकी खांसी होती है या आपको बलगम आता है या आपको ड्राई कफ होती है तो उसको ठीक करने का काम करती है। तो ये दोनों जो मेडिसिन है दोस्तों, आपको कितनी ही भयंकर खांसी क्यों ना हो, एक मॉक्स कैप्सूल और एक लीकअप टैबलेट, दोनों को एक एक इस्तेमाल करना होता है यदि किसी को खांसी हो जाती है। दोस्तों, यदि किसी को कितनी ही भयंकर खांसी क्यों ना हो, एक 2 से 3 दिन आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो खांसी है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत बेस्ट रिजल्ट है इन दोनों मेडिसिन का खांसी में। दोस्तों, ये जो मैंने आपको दोनों मेडिसिन बताई हैं जो खांसी में इस्तेमाल होती हैं, ये केवल आपको मैंने नॉलेज पर्पस के लिए बताई हैं। अगर आप दोनों में से इन दोनों में से कोई सी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी डॉक्टर की देख रेख में ही करें, खुद से बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। क्योंकि दोस्तों, अमोक्सिसिलिन जो आती है ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, इसका हमें डॉक्टर की एडवाइस पर ही इस्तेमाल करना चाहिए, खुद से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि एंटीबायोटिक मेडिसिन को हमें बिल्कुल भी खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी डोज़ की बात करें तो दोस्तों, एक एडल्ट व्यक्ति को दिन में 3 बार इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, एक सुबह में, एक दोपहर में और एक शाम में। तो ये दोनों मेडिसिन आप डॉक्टर के एडवाइस पर ही लें। आपको कितनी ही भयंकर खांसी क्यों ना हो, इन दोनों मेडिसिन के इस्तेमाल करने से बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, साइड इफेक्ट की बात करें तो इनके इस्तेमाल करने से कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, आपको मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती हैं। ये कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट हैं जो कि इन दोनों मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आपको देखने को मिल सकते हैं। आप इन दोनों मेडिसिन को किसी भी केमिस्ट या मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं, किसी भी मेडिकल पर आपको आसानी से मिल जाएगी। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ध्यान रहे, आपको इन दोनों मेडिसिन को अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही इस्तेमाल करना है। मैंने दोनों ये मेडिसिन बताई हैं आपको केवल नॉलेज के लिए बताई हैं, अपने डॉक्टर के एडवाइस पर ही इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों।